हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम एक क्लास आम लाइट चैप्टर न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करवा। ऑलरेडी आ प्रीवियस पार्ट रे लाइट रो सब फॉर्मूला आपको डिटेल में कही दी थी, तो से फॉर्मूला को बेस करके आम ये आज न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा। आउ प्रीवियसली ओटीट रे भी जो क्वेश्चन किसी आसी आपको देखेबी, आपको आईडिया आसपरिव जो कोई टाइप क्वेश्चन आमर ओटीट रे आसूँ कि जो अपकमिंग जूनियर टीचर आसवर अच्छे से भी आसपे एथ्रू जो लाइट चैप्टर न्यूमेरिकल्स। तो चलो तो स्टार्ट करवा। ये ऊपर आपन को क्वेश्चन शो करते फास्ट क्वेश्चन से कौच द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेमी। आप फास्ट क्वेश्चन को देखु, क्वेश्चन को देखिकी निजे सॉल्व करिया ट्राए करूँ, तापर ना मुझे आंसर करी से देखिए। तो क्वेश्चन वन कौच द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेमी। तेल रेडियस ऑफ कर्वेचर मान आर देदेला केते 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, आपको कौन पचार फोकल लेंथ के पचार। आम गोटे फर्मूला पढ़ी आर इक्वाल टू 2f, तेल से बाहर करी एफ इक्वाल टू कौन हम आर बै टू। आर के 20 सेमी बै टू इक्वाल टू के 10 सेंटीमीटर। तेल ये गला आंसर, फास्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ हो। तले वे सेकंड क्वेश्चन टा करिवा। स्क्रीन रे आपण क्वेश्चन देख पारथिवे, फास्ट निजे ट्राए करंतु, तापर वीडियो पॉज करी ट्राए करंतु, तापर एटु आंसर देखिवे। तले सेकंड क्वेश्चन कोन कहूची एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। गोटे कॉन्वेक्स मिरर ठारु ऑब्जेक्टटा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे अछि। तले मु लिखि परिवे एठी ऑब्जेक्ट डिस्टेंसटा केते 10 सेंटीमीटर। देखो जदि 10 सेंटीमीटर लिखिबो ताले आपनकर आंसर भूल हो जिवो, आपन जो सॉल्व करले आंसरटा भूल हो जिवो। काहे कि मु आपनकु आ पूर्व जो पार्ट रे पढ़ेतिली सब फार्मूला सेठी मु कहिथिली जे मिरर हो कि लेंस हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा ऑलवेज कोन रहइबो नेगेटिव रहइबो। एटा आपन क्वेश्चन ने मेंशन करिवोनी, आपनकु एटा निजे ही करियो पड़िबो। ताले यु केते होला माइनस 10 सेंटीमीटर। तापर देछि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ केते देला 15 सेंटीमीटर। आपको पचारे फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, मैंने कौन बाहर करें भी बाहर करवा इमेजर पोजिशन मानने मिरर टू इमेज के दूर अच्छी। तेल जेहतु मिरर कथा दे जाए मिरर फर्मूला लगे के 1/f इक्वाल टू 1/v प्लस 1/u। तेल 1/f के 15 इक्वाल टू 1/v आम बाहर करवा 1/u वैल्यू के माइनस 10। तेल देखिए माइनसटा एपटू आस कौन जो प्लस तेल 1/15 प्लस 1/10 इक्वाल टू के 1/v। 15 10 एलसीएम होगा 30, 15 2 10 30 इक्वाल टू 1/v। तेल ये आमर के 1/v इक्वाल टू 3 2 5/30 जोटा काटिदेले के 1/6। तेल 1/v इक्वाल टू 1/6 होगा। चल जो दैट इम्प्लाइज भी इक्वाल टू के 6 होगा। तले एथर आम जानले जो कन्भेक्स मिरर रे कौन है जो इमेजटा सृष्टि है सेटा मिरर टू 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे सृष्टि है। तले ई टाइप रो नॉर्मल क्वेश्चन किछ पड़िबो। तले बे हमें 3 नंबर क्वेश्चन टा सॉल्व करिया। 3 नंबर क्वेश्चन से कहूँची द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, देखो ये पार्ट पार्ट करके पढ़ो। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तले सीएट देखो कौन ये सपोज गोटे मिरर अच्छी मुझे जाना नहीं कि मिरर ये है प्रिंसिपल एक्सिस जो भी मीट करे सी है पोल आम जानते। तले इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एतिकी को छाड़ो, तापर देखो ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर इज फॉर्मड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। देखो ये जो आम 30 सेमी 60 सेमी आप डाउट्रे पड़े आप फास्ट इमेज कथा लिखला बोली भूल भी 30 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस लिखे सी कौजे द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड, इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम रो गोटे इमेजटा कौन है फॉर्मेशन है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर इज। तले देखो आपण एमती करूँ द इमेज ऑफ ए द इमेज ऑफ को छाड़ दिंतु पढ़ु यू ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर कौट पढ़ु ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर। तले एथरु से कहूँ जो कैंडल फ्लेमटा
ये जो कैंडल फ्लेम टा ये मिरर टू 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे अच्छी ताले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हिटे लगे ते 30 सेंटीमीटर मुझे लिखी यू इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर कारण जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस लिखु तापर एवं आप पढ़ु कौट से फास्ट लाइन को देखु द इमेज ऑफ आम ए कैंडल फ्लेम प्लेस डाट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर यहाँ आम बाहर करदे यही तर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्तमान इमेज कथा देख द इमेज ऑफ ए जो ऑब्जेक्टर इमेजटा फॉर्मेशन हला फॉर्मड तापर मझी लाइन टाउ छाड़ी पढ़ु फॉर्म द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्मड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल तमाने सी कहूँ से मिरर फ्रंट रे प्रस्तुत होने जो पटे ऑब्जेक्ट अच्छी से ही पटे भी तुम इमेज प्रोड्यूस किंतु सी के 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे फॉर्मेशन होती जो पटे ऑब्जेक्ट से ही पटे इमेज आम जानते ये पटा उपर पटा यहाँ कौन वाई एक्सीस यपट वाई डैश ये आम एक्स एक्सीस एपट है एक्स डैश तमें एक्स डैश साइड में कौन सब नेगेटिव वैल्यू आसे ना तो ऑब्जेक्ट जेहतु ये अच्छे मुझे यू को लिखली माइनस 30 तो इमेज भी ये प्रस्तुत है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे ताले जो भी लिखी ताक भी मुझे लिखी के माइनस 60 सेंटीमीटर लिखी तापर आगू पढ़ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पचार फोकल लेंथ एफ पचार कौन दे इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 ये जो फ्लेम जो शिखार हाइटा हाइटा के 2.4 ताले एटा शिखाटा कौन कि ऑब्जेक्टा ताले ऑब्जेक्ट हाइट को आम कौन लिखती एच लिखती ताले एच आमर के 2.4 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज इमेज हाइट पचार जोड़ा केच डैश यहाँ मुझे बाहर करा पड़ो तापर आउ कौन दे स्टेट वेदर द इमेज फॉर्मड इज इरेक्ट और इनवर्टेड ताले ये जो इमेज फॉर्मेशन हम सेटा आमर इरेक्ट हम माने सीधा फॉर्मेशन हम ना उल्टा फॉर्मेशन हम से तो लास्ट को जानवा ताले आगे चलो गोटे पर गोटे आम बाहर करदे ताले क्वेश्चन आप बुझीपे एबे देखो आम पारे कौन अच्छी यू अच्छी भी अच्छी आम एफ बाहरी करवा एटी जेहतु मिरर कथा देखे कौन पक मिरर फॉर्मूला आम जानते वन बै एफ इक्वाल टू वन बै भी प्लस वन बै यु ताल एफ दरकार ये रहा वन बै भि रैल्यू के माइनस 60 प्लस वन बै यु यु रैल्यू के माइनस 30 दैट इम्प्लाइज वन बै एफ द माइनस 60 माइनस 30 मुझे एलसीएम नहीं जाऊँगी 60 60 रे 60 हेल्ले के वन जेहतु माइनस वन अच्छी बस माइनस वन प्लस 30 रे 60 हेल्ले टू जेहतु माइनस अच्छी आम बस माइनस टू ताल के माइनस 3 अपन 60 ताल दैट इम्प्लाइज वन बै एफ इक्वाल टू माइनस 3 अपन 60 जोटा काटिदे के माइनस वन बै 20 ताल ये आम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे माइनस एफ इक्वाल टू 20 हो जो एफ आमर के माइनस 20 सेंटीमीटर ताल एमर जो एफ बाहरी गला से बाहर माइनस 20 सेंटीमीटर ताल मुझे पचार फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ताले फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आम के माइनस 20 सेंटीमीटर तापर आगू कौन दे देख हाइट दे देला हाइट ऑफ द फ्लेम दे देला फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज इमेज रो हाइट दे फाइंड करने इमेज रो हाइट आम कौट पाते मैग्निफिकेशन रू फॉर्मूला आपको कही मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू केच डैश बै एच एटी मिरर पर के मिरर पर हम आमर के माइनस भि बै यु आप जब लेंस कौन करते भि बै यु ताल ये पुट करी दैट इम्प्लाइज ताल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आया ताल एच डैश आमर के देख एच डैश आम बाहरी करा पड़ो माने हाइट ऑफ द इमेज इमेज रो हाइट ताल एच डैश आम रहा एच आम दे 2.4 लिखीदे 2.4 इक्वाल टू माइनस भि भी रैल्यू माइनस 60 तो ये माइनस ऑफ माइनस 60 बाय यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के माइनस 30 ताल ये के एच डैश 2.4 टाक आम लिखिपर 24/10 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60 बाय माइनस 30 यहाँ जब सॉल्व करवा 60 30 कटा के माइनस 2 ताले ये एच डैश इंटू 24/10 के 10/24 इक्वाल टू माइनस 2 ताले ये हमारे एच डैश के 24 सरी सेपट जो गुणी हम माइनस 2 इंटू 24 बै के 10 दुई रे 10 कटा के 5 ताले आमर के माइनस 24/5 ताले के माइनस 5 रे कले के
पाँच कोड़े चार चालीस है पांच अश्न चालीस माइनस 4.8 सेंटीमीटर ताले हाइट ऑफ द इमेज एच डी एस के बाहरी गला माइनस 4.8 सेंटीमीटर यहाँ मोर कौन बाहर इमेजर हाइट बाहरी गला माइनस 4.8 सेंटीमीटर देख ये माइनस बाहर बोली आप डाउट्रे पड़े माइनस अर्थ कौन तमें माइनस अर्थ कौन इमेजटा जदि अब्जेक्टा मनकर ये तुम आक्सीस यहाँ मिरर ये तुम पोल अब्जेक्टा जदि एमती अच्छी जो इमेजटा प्रड्यूस होटा ही तौक प्रड्यूस होब्जेक्टा जेहतु एम उपरको अच्छी यहाँ मोर कौन वाई आक्सीस से अब्जेक्टर हाइट को आम पजिट लिखिले तो ये जेहतु एच डी एस माइनस बाहर इमेजर हाइटा माइनस बाहर निहत भाव ये जानले इमेज कौन अच्छी एमती निहाती तले अच्छी आ तलटा आम वाई डी एस जो नेगेटिव लाइन से तार भैल्यूटा आम नेगेटिव बाहर तेल ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट नेगेटिव साइन कौन इंडिकेट करुच्ची इंडिकेट करुजे तुमर एटी जो बनला जो इमेजटा फर्मेसन है जार हाइट है माइनस जार हाइट है 4.8 है सी कौन है तुम इनवर्टेड बोली नेगेटिव साइन कौन इंडिकेट गला सेटा इनवर्टेड इनवर्टेड माने कौन ओल्टा तो मैंने ऑब्जेक्ट जदि सीधा अच्छी इमेज जो प्रड्यूस है कौन ओल्टा प्रड्यूस है नेगेटिव साइन लगी आंसर आपन को धर एम तुम्हें सल्व कल माइनस 4.8 ऑप्शन आपको दे थे 4.8 दे थो तो आप 4.8 हिं टिक करेंगे किसी माइनस ये दिखाई ऑप्शन में कहीं माइनस ना से आप खोजे कारण माइनस साइन कौन इंडिकेट करुच्चे इमेजर इमेजटा उल्टा होती तलपट से तार माइनस लिखी मुझे आपको फर्मूला अलरेडी कही तार साइन कन्वेंशन गुड़ा केमी कौट प्लस माइनस होटा आप जानगले एच डी एस केमी बाहर बर्तमान से कौन कौन स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट और इनवर्टेड ऑलरेडी आंसर हम पाई गलेनी जे जेहेतु ये माइनस बाहरला ताले ऑब्जेक्ट सीधा थिले इमेजटा तळकु बाहर छि ताले एटा कोन हिजो इनवर्टेड इमेज हिजो हमर इनवर्टेड जदि एटा भी तथापि आपण आइडिया न लगे परिबे मु आपनकु आउ केमिति बाहर रियल किंबा इनवर्टेड हबो किंबा वर्चुअल इरेक्ट हबो सेटा केमिति बाहर फॉर्मूला रे कहिदिलु मु साइड रे आउ थोर कहि दउछि सेटा हम कोड बाहर करंती सेटा हम मैग्निफिकेशन नु बाहर करंती देखो हम एबे जानले जे आमर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन केमती बाहर एच डी एस बै एच ताले एच डी एस आम के बाहर माइनस 4.8 बै एच के अच्छे देख 2.4 ताले के 24 दुले 48 ताने मोर माइनस 2 बाहर ताले अवश्य मैग्निफिकेशन तो मत पचार नहीं मुझे कहली जेहेतु माइनस 2 बाहर मुझे ये जो माइनसटा मानने जो नेगेटिव ये साइन ये आम जो साइन अच्छी ये गोटे इंडिकेट करे आउ ये जो नंबरटा अच्छी ये कौन मिलला आमको गोटे सैन मिलला आउ आम गोटे नंबर मिलला ताले ये आम ये नेगेटिव जो साइन रु आम कौन जापारती तार नेचर जापारती आउ नंबर आम कौन जापार तार सैज जापारती ये पढ़े थी तले एठी जो जेहेतु माइनस आसला मुझे आपको पढ़े थी फर्मूला वीडियो जे नेगेटिव साइन कौन इंडिकेट करुच्चे नेगेटिव साइन इंडिकेट करुच्ची सेटा कौन आमर हेतिबो सेटा रियल एंड इनवर्टेड नेचरटा कौन हेतिबो रियल एंड इनवर्टेड आउ एठी जेहेतु 2 आसला ए 2टा कौन इंडिकेट करुच्ची जे ए 2टा आमर कौन 1 टू बड़ ना तो मुझे कही जो 1 टू बड़ हम इमेजटा तो सेतबेले कौन हम जे इमेजर हाइट अब्जेक्टर हाइट टू 2 गुणा बड़ कही जितेबाला एक रु सान हम से इमेज साइज ऑब्जेक्ट टू छोट जदि एक सामान हम इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज सामान जदि एक टू बड़ हम तेल से इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज टू बड़ जेहेतु ये दुई बाहर तेल एठू आम जान लेजे जे इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज टू 2 गुणा बड़ तो आप मैग्निफिकेशन भी बाहरी करेंगे ये मुझे ऑलरेडी पढ़ी देख ये गोटे पूरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितना परीक्षा तो आप लॉन्ग टाइप दबन ना आपको आ भितर किसी भी गोटे पचार दे पारे मुझा करेबार मैंने आपको सब टाइप क्वेश्चन आइडिया ये गोटे क्वेश्चन ही लग जाइ तो ये आप नोट कर दिंतु तेल एम कौन कर चार नंबर क्वेश्चन ना चार नंबर क्वेश्चन कौन कौन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस लेंस टू 100 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रही ताले यू को मुझे लिखिदेवी माइनस 100 सेंटीमीटर तापर से कौन अफ ए पावर माइनस 4d ये पावरटा देते माइनस 4d डी कौन पाई देती पावर एसआई यूनिट डायोप्टर कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस माने भी मत कैलकुलेट करने को पड़ो ताले देख मु कौन करी तेल मुझे जानी पावर इक्वल टू जेहतु माइनस फोर्टी देख भी कैलकुलेट करा ये लेंस कथा देना लेंस फर्मूला आम जानते वन बै एफ इक्वाल टू वन बै भी माइनस वन बै यू मत भी कैलकुलेट करा मोर एफ आउ यू दरकार मो पाखे यू अलरेडी अच्छी
आ मत कौन बाहरी करिया पड़ो एफ बाहरी करिया पड़ो जेहेतु ये पावर माइनस फोर डी दे दीजिए मुझे यू बाहरी करदे पारि कारण मुझे फर्मूला पढ़ी पावर अफ लेंस कौन रेसीप्रोकाल अफ फोकाल लेंथ तेल पी इक्वाल टू के वन बै एफ तेल ये बसईद एफ जदि ये पलेब एफ इक्वाल टू के वन बै पी तेल वन बै पी रैल्यू के माइनस फोर तेल यहीटा को जब दशमिक करवा आमर होते माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर हो गला सरी फोकस सरी ये सेंटीमीटर हेनी ये मीटर हे कारण आम पढ़ी जितने पढ़ी पी इक्वाल वन बै एफ पी रसआई यूनिट आम पढ़ी डायोप्टर मुझे ये डायोप्टर केतवे हम जो फोकस को आम मीटर रे फोकसटा जो मीटर थी से पावर ऑफ लेंसटा कौन डायोप्टर हम तो ये जो पावर ऑफ लेंस आम जेहतु डायोप्टर देखिए जो फोकल लेंथ बाहर से मीटर रे हम तो माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर तेल आम फोकस बाहरी गला यू अच्छे बसवा देख यू भी जब बस भूल आपर कहीं कारण देख यूटा अच्छे आपंकर सेंटीमीटर में ये जो फोकल लेंथ बाहर मीटर में तेल ये बसईदे भूल हो कि नहीं तो आगे मीटर को कौन करा पड़ो सेंटीमीटर को करा पड़ो तो यहाँ को करपरि जे माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव टा मुझे लिखिपरि के पचीस बै शहे तेल एक मीटर आम जानते शहे सेंटीमीटर इंटू शहे करद शहे शहे कटला के माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तेल एफ आम बाहरी गला यू सब बाहरी गला आम इजिली बाहर कर पुट करवा वन बै एफ रैल्यू पुट करवा माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वाल टू वन बै भि आम बाहरी करवा माइनस वन बै यू रैल्यू के माइनस हंड्रेड तेल ई आमर हो गला के माइनस माइनस प्लस मुझे लिवे करदे ये गला आमर कौन माइनस माइनस प्लस हो गला तापर देख यही वन बै हंड्रेड टा मुझे एपट नहीं आसपू कौन हो माइनस होदेव करदे वन बै भि ये आम वन बै माइनस ट्वेंटी फाइव अच्छे वन बै हंड्रेड एपट नहींगल के माइनस हंड्रेड पचीस शहर एलसीएम के हंड्रेड पचीस रे शहर के माइनस फोर शहर शहर माइनस वन ये के माइनस फाइव बै हंड्रेड जोड़ा कटिले हो माइनस वन बै ट्वेंटी तेल दैट इम्प्लाइज वन बै भि के माइनस वन बै ट्वेंटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे माइनस भि इक्वाल टू ट्वेंटी हम जोटि भि इक्वाल टू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर आमर हम भि इक्वाल टू के माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर हम तेल ये आम क्वेश्चन जो देखा कौन कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस के इमेजटा लेंस ठारू कोड़े सेंटीमीटर डिस्टेंस रे रही तापर नेक्स्ट पांच नंबर क्वेश्चन देखिवा तले पांच नंबर क्वेश्चन देछि ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर तले से कहू गोटे कॉन्वेक्स लेंस अच्छे प्रिंसिपल एक्सिस 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये है आमर जो 10 सेंटीमीटर टल ऑब्जेक्ट तो मैंने ये जो ऑब्जेक्ट हाइट देटा के 10 सेंटीमीटर तेल मुझे लिखिदे पारि एच इक्वाल टू 10 सेंटीमीटर जोटा ऑब्जेक्ट हाइट अफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर तेल जो फोकल लेंथ देदेला के 30 सेंटीमीटर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर तेल ये जो ऑब्जेक्ट टू लेंस रो डिस्टेंसटा के 20 सेंटीमीटर तेल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसटा मुझे लिखिदेवी माइनस 20 सेंटीमीटर तापर दे फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज कौन पचार पोजिशन नेचर आउ साइज तेल पोजिशन मान कौन आम ये भि बाहरी करवा भि बाहरी करवा जेहे लेंस अच्छे लेंस फर्मूला पकेबा वन बै एफ इक्वाल टू वन बै भि माइनस वन बै यू दैट इम्प्लाइज वन बै एफ रैल्यू के 30 वन बै भि आम बाहरी करवा माइनस वन बै यू रैल्यू के माइनस 20 तेल देख ये माइनस माइनस प्लस होना मुझे डायरेक्ट करदे प्लस ये आमर कौन होगा प्लस होगा तेल दैट इम्प्लाइज ये प्लस वन बै ट्वेंटी एपुर माइनस हम वन बै 30 माइनस वन बै 20 इक्वाल टू वन बै भि
दैट इम्प्लाइज तीस कोड़े एलसीएम षाठी तीस दूल्ले माइनस कोड़े तीर इक्वाल टू के वन बै भी तेला के माइनस वन बै सिक्सटी इक्वाल टू वन बै भी दैट इम्प्लाइज भि इक्वाल टू आम के माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर भी आम के माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर होगा पोजिशन बाहरी गला लेंस रु जो इमेजटा प्रड्यूस हे से सिक्सटी सेंटीमीटर डिस्टेंस रे प्रड्यूस हे सी आम कौन कही बाहरी करने नेचर साइज ऑफ द इमेज तेल सैजटा आम कौट बाहर मैग्निफिकेशन बाहर फर्मूला आम जानते मैग्निफिकेशन एम इक्वाल टू एच डी एस बाय एच जेहेतु ये लेंस कथा देखिए कौन लिखी भि बाय यू दैट इम्प्लाइज एच डी एस आमको बाहरी कर साइज ऑफ द इमेज बाहरी करवा एच डी एस रहा बाय एच एच रैल्यू आम पार अच्छी टेन सेंटीमीटर इक्वाल टू भि आम ए बाहरी गले माइनस सिक्सटी बै यू यू आमर अच्छे माइनस ट्वेंटी षाठी कोड़े कटे के थ्री तेल एच डी एस के दस ये हरी जेपटे गुण होगा थर्टी सेंटीमीटर एच डी एस होगा थर्टी सेंटीमीटर तेल इमेज रईज के थर्टी सेंटीमीटर देख ये एच डी एसटा आम पजिट बाहर ना तेल पजिट बाहर तेल अब्जेक्टा आमर एटी अच्छी उपरको अच्छे सब बेले अब्जेक्टा उपरू अच्छे मैंने यहाँ कौ आक्सीटा यहाँ आम वाई आक्सीटा तेल सी पजिट अच्छी तेल ये एच डी एस भी पजिट बाहर पजिट बाहर मैंने निहाती भाव ये प्रिंसिपल आक्सीस्र उपर जो भी हेल्ले सी कौन हो जो फॉर्मेशन हो इमेजर जदि तले ही था ये आम के बाहर था माइनस बाहरी था जेहेतु यहाँ प्लस बाहर ताल ये आमर कौन यटा एथुर आम जानले जे यार नेचर कौन हम वर्चुअल आउ इरेक्ट कौन हम वर्चुअल एंड इरेक्ट हम जदि आप न जापारे आप पक आउ थे मैग्निफिकेशन फर्मूला कौन एच डी एस बै एच एच डी एस के थर्टी बै एच के एच अच्छे आम टेन दीजिए आम आंसर केन तीन अर्थ कौन ऑब्जेक्ट टू इमेज तीन गुणा बड़ आउ एठिया साइड रे किछ नै माने पॉजिटिव चिन्ह अछि आउ मु कहितली पॉजिटिव साइन कौन इंडिकेट करे नेचर इंडिकेट करे आउ पॉजिटिव जहार थिबो तार कौन हबो वर्चुअल आउ इरेक्ट जदि एटा नेगेटिव थांदा कौन इतांदा रियल एंड इनवर्टेड तले इडा हिजबो एरो आंसर नेक्स्ट एबे 6 नंबर क्वेश्चन देखिवा तबरे एबे हम देखिवा 6 नंबर क्वेश्चन तले 6 नंबर क्वेश्चन को जी द इमेज ऑफ ए कैंडल इज फॉर्म्ड देखो यहाँ आपर ओटीईटी 2017 पेपर टू रे क्वेश्चन आसला द इमेज ऑफ ए कैंडल इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इमेज ऑफ ए कैंडल इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड ए कन्वेक्स मिरर बिहाइंड ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तले फोकल लेंथ रे देदला केते 20 सेंटीमीटर आउ कौन दे हाँ ये 10 सेंटीमीटर दे दीजिए इमेज डिस्टेंस द इमेज ऑफ ए कैंडल इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस भी दे देला केते 10 सेंटीमीटर पचार कौन व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन देखो मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ये आम कौन दे गोटे एटा मिरर कथा जेहेतु मिरर कथा आम जानते मैग्निफिकेशन एम इक्वाल टू एच डी एस बाय एच मिरर पर कौन हो माइनस भी बाय यू तले एच आउ एच डी एस तो आम पाखे देनी ना जेहेतु देनी आम कौटा पकेबा ये फर्मूलाटा पकेबा तो माइनस भि बाय यू पकेबा कहले आम पाखे भि अच्छे आमको कौन दरकार यू दरकार आम एठी मिरर फर्मूला पकई कि आगे यूर बाहर करवा तो मिरर फर्मूला अप्लाई कले आम जानते वन बै एफ इक्वाल टू वन बै भि प्लस वन बै यू दैट इम्प्लाइज वन बै एफ एफ्र भैल्यू के 20 वन बै भि के 10 प्लस वन बै यू आम बाहर करवा यहाँ एपड़ आस कौन जो माइनस वन बै 20 माइनस वन बै 10 इक्वाल टू वन बै यू 20 10 एलसीएम के 20 ए जो वन माइनस इक्वाल टू वन बै यू एक रु दुई गला के माइनस वन बै 20 इक्वाल टू वन बै यू दैट इम्प्लाइज यू होते माइनस 20 सेंटीमीटर यू रैल्यू के माइनस 20 सेंटीमीटर तेल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाहरी गला आम के माइनस 20 सेंटीमीटर तापर मुझे कौन पचार व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन फर्मूला आम जानते के एच डी एस बाई एच थी आम से पुट करवा जेहतु आम पर माइनस भि बाय यू पुट करवा तो माइनस भि रैल्यू के 10 बाय यू यू के माइनस 20 माइनस माइनस कैनसल होगा केत वन बै टू मैग्निफिकेशन के वन बै टू आप देखिपे तेल यही टाइप्र सुविधा क्वेश्चन पड़ो बास आप कनसेप्ट बुझीते फर्मूला अप्लाय करके आप इजिली बाहरी करदे पारे तापर नेक्स्ट आम ए सात नंबर क्वेश्चन देखा
ताले सात नंबर क्वेश्चन कौन कौन ए रियल इमेज ऑफ ए हाइट ट्वाइस दैट ऑफ दि ऑब्जेक्ट वाज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दि पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दि मिरर एटा देखो ओटीटी 2018 पेपर 2 रे क्वेश्चन आसीला कौन कौन ए रियल इमेज ऑफ हाइट ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ताले ऑब्जेक्ट टू जो इमेजटा प्रोड्यूस हला सेटा हला दुई गुणा वाज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दि पोल ताले जो इमेजटा रियल इमेजटा फॉर्मेशन हेजी सेटा पोल लु 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे पोल लु 20 सेंटीमीटर मु कहितली समस्त डिस्टेंस मिरर हो लेंस हो सॉरी मिरर रे कोड मपा जाए पोल लु आउ लेंस रे कोड मपा जाए ऑप्टिकल सेंटर रु ताले सीएडी देखो कह दीजी ए रियल इमेज ऑफ हाइट ट्वाइस दैट ऑफ दि ऑब्जेक्ट वाज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दि पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर ताले ये कॉनकेव मिरर कथा दीजिए आम जानी जे कॉनकेव मिरर रे सब मोस्ट ऑफ दि केस रे ऑब्जेक्ट जदि ये थी इमेजटा ये तले प्रोड्यूस कौट भी तार पोजिशन था ये प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट जदि उपरु था तार जो इमेजटा सब कौटी तले प्रोड्यूस होता है ये आम कौन गिवेन दे इमेज डिस्टेंस के 20 सेंटीमीटर देखो ये 20 सेंटीमीटर प्लस लिखी नहीं माइनस 20 सेंटीमीटर लिखी कहीं लिखी कारण ये जो कॉनकेव मिरर कथा दीजिए कॉनकेव मिरर जो इमेजटा फॉर्मेशन हुए सेटा सब बेले कोडी एई साइड रे फॉर्मेशन हुए कॉनकेव मिरर सब बेले एई साइड रे फॉर्मेशन हुए ताले एक्सिस कथा जे देखिबा एटा हमर की एक्सिस एटा हमर एक्स एक्सिस जोटी एटा एक्स थाए एटा हमर एक्स डैश थाए एक्स डैश साइड हमर कोन हला एटा हला नेगेटिव साइड सेति पई एई पटरे जोटा रहइबो से हमर कोन हबो तार जो डिस्टेंस टा कोन हबो पोल लु जेतला हम तार डिस्टेंस मेजर करिबा से ऑब्जेक्ट हो किबा से इमेज हो डिस्टेंस टा तो पोल लु मेजर करिवा सेटा कोन हे जो नेगेटिव हे जो सेति पई वी को माइनस 20 लेखिली काहे कि कारण यार जो इमेज टा फॉर्मेशन हला सेटा कोड इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिरर रो फ्रंट रे तापरे से कोन दीजी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर व्हाट इज द फोकल लेंथ पचार जी कोडा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पचार जी एठी हमको आउ गो जिनस हिंट्स दीजी मैग्निफिकेशन केते दीजी ए रियल इमेज ऑफ हाइट ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज फॉर्म तल देखो सी हमर जो आमे मैग्निफिकेशन केमदि बाहर एच डी एस बाई एच बाहर तमान सी कहू ए रियल इमेज ऑफ हाइट ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू ये कौन दुई गुणा अधिक ताले जदि ऑब्जेक्ट आमर वन हुए ये ताठू दुई गुणा अधिक केत हम टू हम ताले एठी आमर जो मैग्निफिकेशनटा मैग्निफिकेशन हम केत आमर नेबी मैग्निफिकेशन केत नै जेबी टू नै जेबी किंतु एठी आउ गोटे जिनस मन रखे एठी मु माइनस टू नेबी खाली टू नेबी नाही माइनस टू नेबी कारण सी जेहेतु एठी कहिछे रियल इमेज जेहेतु एठी रियल इमेज कथा कहिछि ताले रियल इमेज कौन हुए ऑलवेज इनवर्टेड रियल इमेज ऑलवेज इनवर्टेड तमाने ऑब्जेक्ट जदि ऊपर थिबो ताल तार जो इमेज प्रोड्यूस होबो सेटा तळे सृष्टि होबो तळे सृष्टि हेले सेटा को आमे कोन कोन इनवर्टेड बोली कोनती ताले तळे हेला माने आमे एक्सिस वाइज देखो एक्सिस रे ऊपरटा हला वाई एक्सिस तळटा हला ऊपरटा हला वाई तळटा हला कोन वाई डैश ताले इटा हमर कोन नेगेटिव साइड ताले इमेजटा जेहेतु तळे प्रोड्यूस होबो या थारु दुई गुणा हेकी बड होबो ये जदि एतिकी अछि 1 अछि ये ताटू दुई गुणा बड़ टू हम ताले किंतु आमे हेटा कौन बसवा माइनस टू बसवा कहीं कारण यहाँ तले अच्छे इनवर्टेड होटा वाई डैश एक्सिस नेगेटिव हुए मुझे सैन कनभेनसन आपको ये मैग्निफिकेशन मुझे ने माइनस टू ने बास एवं आपंकर आंसर बाहर जाए पुट करदे मैग्निफिकेशन यहाँ आम क्या कथ कह मिरर कथ मिरर आम जानते मैग्निफिकेशन फर्मूला माइनस वी बाय यू इक्वल टू माइनस टू माइनस भी वैल्यू के माइनस 20 बाई यू इक्वाल टू माइनस टू ताले माइनस माइनस प्लस 20 20 बाई यू इक्वाल टू माइनस टू एटा ये पलब एटा ये पलि आस 20 बाई माइनस टू इक्वाल टू यू ताले यू केते माइनस 10 यू रो वैल्यू केते माइनस 10 ताले हमर यू बाहरी गला किंतु सी आम पचार फोकल लेंथ पई आमे कोन करिया वर्तमान मिरर फॉर्मूला पकेबा मिरर फॉर्मूला कोन 1 बाई एफ इक्वाल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू ताले 1 बाय भी भी रो वैल्यू केतो अछि माइनस 20 प्लस 1 बाय यू यू रो वैल्यू केतो हला माइनस 10 एलसीएम नि जो 20 रे हले जेतु माइनस अछि माइनस 1 मझे प्लस चिन्ह माइनस 10 रे 20 हले 2 जेतु माइनस अछि केते जो माइनस 2 ताले केते हला माइनस 3 बाय 20 ताले 1 बाय एफ इक्वल टू माइनस 3 बाय 20 दैट इंप्लाइज एफ इक्वल टू केते जो माइनस 20 बाय 3 318 माइनस 318 2 20 हेले
सिक्स सिक्स एमती आप आप्रोक्सीमेट बस दिंतु माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन तेल ये आम जो फोकल लेंथटा बाहर के माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन सेंटीमीटर यहाँ है किंतु आप ऑप्शन देख सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन लिखी कारण मुझे कहली माइनस साइनटा माने आपड़ किसी अलग बुझे कारण सी कौटा ना कौटा गोटे इंडिकेट करुच्ची नेगेटिव साइन कौन इंडिकेट करुच्ची नेगेटिव साइन इंडिकेट करुचे जेहेतु यहाँ गोटे कनकेव मिरर मुझे आपको पढ़े ये गोटे धर कनकेव मिरर ये मन पोल तपटू तार सेन्टर थी आ सेन्टर पोल ठीक मझे कौन था एफ थाए आ पोल रू फोकस पर्यटन डिस्टेन्स को कौन कहुए फोकल लेंथ बोली कह जाए ताले एटा कौ साइड्र अच्छी देखिपड़ू यहाँ कौ साइड्र अच्छी एक्स डैश साइड्र अच्छी एक्स डैश साइड भैल्यू कौन हुए नेगेटिव हुए तो फोकल लेंथ से कौन है नेगेटिव है तेल आंसर आम के सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन ऑप्शन जब माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन थी से पुट करेंगे जब खाली सिक्स सेवेन खाली सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन थी भी पुट करेंगे आपड़ किसी भूल हम नहीं कारण ये माइनस साइनटा इंडिकेट करूजे मिरर फ्रंट रे कौन है फोकसटा रही जहाँफल फोकल लेंथटा कौन ये नेगेटिव हो जाए एबे आम आठ नंबर क्वेश्चन करवा तो आठ नंबर क्वेश्चन कहूँ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोटे क्वेश्चन अच्छी या बेस कर गोटे करदे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 3/2 देख ये मन कर गोटे मीडियम है तो यू रे ऑफ लाइट आसला रे ऑफ लाइट जो भी पड़े से कौन सृष्टि हुए नॉर्मल सृष्टि हुए ये आम कौन है नॉर्मल यहीटा कौ मीडियम आरर मीडियम कौ मीडियम को जा डेंसर मीडियम को मुझे जानी केमती रेर रु आसला बोली कारण सी कही वैक्यूम आ ग्लास कथा कही रेरर मीडियमटा आमर कौन वैक्यूम हो डेंसर मीडियमटा कौन हो ग्लास तेल रेरर डेंसर को जो से लाइट जीवा कथा कौटी यही सीधार जीवा कथा कितु कौन कर इड़क तार बेंडिंग होड़ कौन हो बेंडिंग कौआड़ नॉर्मल आड़क सी ये कौच जितेबाला वैक्यूम रु ग्लास को द रिफ्रैक्टिव वैक्यूम रु ग्लास को कौन आसट आसटी वैक्यूम रे स्पीड ऑफ लाइट केत हम मुझी भी बोली मेंशन कर दूसरी कारण स्पीड ऑफ लाइट को आम सी रे डिनोट करती ये जो वैक्यूम रे कही मुझे लिखिदी सी भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सेमती एटी कौन लिखिदेवी सी जि लिखिदे तो मैंने ग्लास कथा कही स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तेल एवं क्वेश्चन को जीवा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 3/2 तेल मुझे लिखी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आम सिंबॉलिकली एन द्वारा डिनोट करती तेल मुझे लिखिदेवी एन जी भी के 3/2 तेल यार अर्थ कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम जोटा के 3/2 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2×10^8 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के 2×10^8 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन पचारे फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैक्यूम रे आरो स्पीड केत हम सीटा आमको पचार स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रे केत हम सीटा पचार देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फॉर्मूला मुझे आपको कही N21 जो कही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फास्ट मीडियम से कौन होता N2/N1 यहाँ को जी स्पीड ऑफ लाइट में लिखुली कौन होता C1/C2 रिफ्रे N21 को मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू लिखी तेल मुझे लिखी N2/N1 किंतु स्पीड ऑफ लाइट थ्रू लिखले कौन लिखी C1/C2 यहाँ आम पढ़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे फॉर्मूला तेल ये पुट करदे तेल सी ये हम कौन कही फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तेल ये N21 देर तो ये 2/1 मतलब नहीं सेकेंड मीडियमटा आम कौन ग्लास सेकेंड मीडियमटा ये आम कौन अच्छी ग्लास अच्छी फास्ट मीडियमटा आम कौन अच्छी वैक्यूम तेल जो N21 देखिए कौन लिखिदेवी N2 बदलने कौन लिखिदेवी ग्लास आ वन बदलने कौन लिखिदेवी वैक्यूम NGV या को आम क्या सह कंपेयर करवा या सहित तो कंपेयर करवा ना या सहित तो करवा कहीं कारण मुझे स्पीड ऑफ लाइट टा पचार तेल ये कौन लिखी C1/C2 C1 बदलने मुझे कौन लिखी वैक्यूम CV/C2 बदलने कौन लिखी ग्लास CG तेल आम पाखे अच्छी देव कौन NGV अच्छी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम यहाँ देखिए के 3/2 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यहाँ पचार स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास देखिए के 2×10^8 देखिए यू सॉल्व करदे तेल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कले सी भी येटा गुणी होते 3×2×10^8 बाई एटा 2 टाइट पलि आस देख 2 को 2 कटिगला तेल के 3×10^8 मीटर पर सेकेंड ये आमर आंसर तेल स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम रे के 3×10^8 मीटर पर
सेकेंड यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो टाइप रो किसी नॉर्मल क्वेश्चन आसपे आज जो नौ नंबर क्वेश्चन रहा आप स्क्रीन देख पार्थे यहाँ 2013 पेपर टू रे आसी जो नौ नंबर क्वेश्चन आप यार आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे जदि न्यूमेरिकल बुझे किसी प्रोब्लेम थाए तो निहती भाव कमेंट सेक्शन में जनइबे मुझे नेक्स्ट क्लास में आपंकर डाउट क्लीयर करने चेस्टा करी।